फिलहाल के लिए हम दोनों जा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं मेरे बेबी के साथ रोमांटिक कॉफी पे जा रही हूँ। अभी रोमांटिक कॉफी कह के ना वहाँ फोन पे लग जाएगी और एक घंटा फोन छोड़ेगी नहीं, वहाँ फोन जमा करवा देंगे। ठीक है, जमा करा देंगे। कहाँ पे किसको जमा कराना है? उन्हीं को दे देंगे जो कॉफी बना रहे होंगे ना। क्या हमारा फोन रख लो। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह हो गई है, नहा धो के हम एकदम रेडी हो गए और आज की सुबह बहुत ही शानदार हुई है मेरी, क्योंकि मैंने रात को डिसाइड किया था मैं कोई काम नहीं करूंगा, ना एडिटिंग करूंगा, ना ही फुटेज ट्रांसफर करूंगा, ना कुछ करूंगा। सिर्फ रात को आराम से मैंने एक सीरीज के कुछ एपिसोड देखे और मैं आराम से सो गया हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठ के सारा काम किया है मैंने। तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, अगर आपका जो रूटीन होना डेली का उसको तोड़ देना चाहिए, तो आपने बहुत फ्रेश और बहुत बेटर फील करते हो। तो जी, इसी फ्रेशनेस और एक्साइटमेंट के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। संभावना किचन में कुछ ब्रेकफास्ट बना रही है, अंदर हमारे लोग आ गए जो रूम की थोड़ा थोड़ी शुरू कर चुके हैं। तो पहले रूम का माहौल देख लेते हैं कहां तक पहुंचा है, फिर मैं आपको मिलाता हूं संभावना से। ये लगभग टूट गया ना भैया, अभी और क्या क्या बाकी सारा तोड़ोगे ना। ये बेड वेड अभी आज ही बाहर निकालोगे या अभी अंदर ही रहेगा? ठीक है तो जी, काफी तेजी से काम चल रहा है। एक दीवार तो पूरी छील दी अच्छी तरीके से, अब मैं आपको मिला देता हूँ संभावना से। और यहाँ पर अंडे का ठेला लग चुका है दोस्तों। अंडा चाहिए हो, भुर्जी चाहिए हो, या अंडे का ऑमलेट चाहिए हो, ठेला लग चुका है ₹5 ईच। खुशकू मैं आज, क्योंकि खुश मतलब बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरा बेबी आज बहुत खुश है। अच्छा। बेबी को स्ट्रेस में देखते हो ना तो मेरे को बहुत वो लगता है, बट कुछ एक आध ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जो आप शायद ब्लॉगिंग में नहीं बोलते हो, लेकिन जब होती हैं तो आपको बुरा भी लगता है और जब वो ठीक होती है तो आपको अच्छा भी लगता है। सो टुडे आई एम फीलिंग हैप्पी। कल किसी ने थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई थी और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है हम दोनों की। और मेरी मेरे को तो फिर भी कोई कुछ कह दे तो ठीक है, बट अविनाश को कोई वो करता है ना, तभी अविनाश अच्छे मूड में नहीं था कल। लेकिन फिर मैंने ये पूरा दिमाग लगाया रात को कि आप कुछ भी कर लो लाइफ में, आप बंधक बन के नहीं रह सकते किसी के, और ना ही आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई भी चीज आने देनी चाहिए। तो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर आपकी बात आती है ना, नेवर टेक इट, नेवर टेक इट, बिकॉज ये आपको हर टाइम परेशान करती है चीज। आपको पता नहीं चलता कि हमें क्या चीज परेशान कर रही है, लेकिन आप परेशान होते रहते हो। तो हमें कुछ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंची और बहुत खराब लगा कि ऐसे क्यों कोई बिहेव करता है, बट देन आज उसका जवाब मिल गया। ऐसा नहीं कि वो वापस दे दिया हमने, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आपको अपना व्यवहार सही रखते हुए अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। तो आज मेरा बेबी बहुत अच्छा है, मैं बताओ बेबी बताओ बोलो बोलो। मैंने बता दिया, आज मेरा बेबी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ और सब कुछ बड़ा हंकी अंडोरी हो रहा है। हंकी अंडोरी आज वैसा अंडा नहीं बना जैसे खूबसूरती कल के अंडे में थी ना। कोई बात नहीं, अंडा खूबसूरत था लेकिन दिन खराब था ना। आज दिन अच्छा, अंडा खराब हो गया, क्या हो गया इनका? हालांकि चल रहा है, क्या नाटक कर देंगे दोनों, चरी पीट दे चले दोनों को, तो गुल्लड़ का फूल लगा के। चलो तो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँ। अविनाश तो कर चुका है अपना ब्रेकफास्ट और अब मैं करने जा रही हूँ, और उसके बाद आज मैंने और अविनाश ने डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए, मेरी डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट है वो भी करते हुए, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि आज एक दूसरे को एक घंटा देंगे बिना फोन के कॉफी पीने जाएंगे। कॉफी मैं तो दिखा दूंगी आपको, लेकिन उसका फोन साइड पर रख दूंगी। तो जी, कुछ काम की डील चल रही थी जो कि जिससे चल रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया, बट मुझे लगा कि कोई बात नहीं, उनके बिहेवियर को लेते हुए भी अगर ये हम हाँ कर देते हैं इस चीज के लिए तो फायदा हमारा ही है। अपना ईगो आदमी अपने घर पे रखे, अपना फायदा हो रहा है और क्या, ये मेरी मेंटालिटी है। बट फिर जब उसने मेरी बेबी को हर्ट हो गई वो बात, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब तो फिर चाहे कितना भी बड़ा काम हो, कितने ही पैसे हो, कुछ भी हो, जस्ट से नो टू इट, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। और मेरी बेबी का तो मेरे से भी ज्यादा, मैं तो एक बार को अपना ईगो वीगो हर्ट करवा के अपना फायदा देख के निकल जाऊंगा, मुझे उसमें ज्यादा मैं नहीं देख पाती है ठीक लगता है। लेकिन मतलब मेरे साथ मेरी बेबी का अगर कुछ हो जाए तो फिर तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा आप जी अपना काम रख लो अपनी जेब में और निकलो अपने घर को। कोई आपका आपको अगर कोई चीज करने के बाद भी, लाइक हम किसी के साथ कुछ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद भी आपको ये डिस्टर्बेंस हो रही है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अगर आपका दिल नहीं बोलता। दुनिया में हर चीज मटेरियलिस्टिक है, लेकिन आपका दिल मटेरियलिस्टिक नहीं है। आपका जो दिल बोल रहा है, आपके साथ जो हो रहा है, वो तो हो रहा है ना, वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो आप ऐसे ही नहीं सेटिस्फाई कर सकते हो अपने आप को।
पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं आपको, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कहीं जाके ये लगता है ना कि फायदा तो बहुत बड़ा है लेकिन दिल को बड़ी तकलीफ पहुंच रही है, मत करो। मैंने बहुत जगह ऐसा किया है और इसलिए मुझे लगता है कि यार दुनिया में हर चीज पैसा नहीं होती। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते, पीस ऑफ माइंड नहीं खरीद सकते। लोगों का ना पेशेंस लेवल बहुत अजीब सा हो चुका है। लोग अपने दो पैसे के लिए ही दूसरे को इतना गिरा देते हैं कि आपको लगता है यार गिर के काम करने में क्या फायदा है फिर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और जी मैं आपको दिखा देता हूँ, कल वॉशिंग मशीन भी ठीक हो गई है, उसका मोटर भी लग गई है, क्या क्या लग गया है। 3 साल की वारंटी मिली है लेकिन मुझे लग रहा है ये मशीन ही 1 साल में गल जाएगी, 3 साल का क्या करेंगे। मशीन जिस जगह पे रखी है ठीक होने के बाद भी उसका फायदा क्या है, यहाँ कोई धुल पाएगा? यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। अरे अभी अभी से मैं काम हो रहा है ना घर पे भी, तो कपड़ों का तो ढेर लग चुका होगा जितने इतने दिन में मशीन खराब। बेटा कोई मशीन लगानी है तो मेरे को बता दे। हाँ, लगानी है। तो तू डाल उसमें, हद से ज्यादा चीजें मत डालना, ठीक है? मैं लगा देती हूँ। तो जी अभी हम मेन कॉन्ट्रैक्टर आ गए हैं और उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया है, तो क्या दिखाना चाह रहे हैं मैं देख लेती हूँ जरा। आऊँ क्या अंदर? थोड़ा सा रुकना, धूल तो नहीं है? नहीं। हाँ आओ, एक सेकंड बेटा, मेरे को कुछ वो दे दे, मास्क दे दूँ? हाँ मास्क दे जल्दी। जी मैंने मास्क लगा लिया और अब मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ जी बताइए। ये पूरा गीला है तो निकाल दिया पूरा। ये पूरा गीला है? पूरा दीवार ऊपर से भी गीला है, नीचे से भी गीला है। अभी उसके ये पूरा साफ होगा, उसके बाद उसको ढूंढते हैं कि कहाँ से। ठीक है तो जी मैं और मेरा बेबी निकल गए हैं इस बरसात में, कॉफी पियेंगे और उसके बाद मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है जिसमें अविनाश नहीं आ सकेगा क्योंकि ये अपने काम में बिजी हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास मैं अकेले जाऊंगी और अपना जो भी है मेरी अपॉइंटमेंट मैं करके आऊंगी। फिलहाल के लिए हम दोनों जा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं मेरे बेबी के साथ रोमांटिक कॉफी पे जा रही हूँ। अभी रोमांटिक कॉफी कह के ना वहाँ फोन पे लग जाएगी और 1 घंटा फोन छोड़ेगी नहीं, वहाँ फोन जमा करवा देंगे। ठीक है ठीक है, जमा करा देंगे। कहाँ पे, किसको जमा कराना है? उन्हीं को दे देंगे जो कॉफी बना रहे होंगे ना। क्या हमारा फोन रख लो। तो ये व्लॉग कैसे करूंगी मैं? ये भी तो व्लॉग बनाना है ना कि हम फोन नहीं कर रहे किसी को। तो व्लॉग बनाते बोल देंगे हम आज बिल्कुल भी फोन यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ। फोन बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, हम रोमांस कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी मैं चला रही हूँ रोमांटिक में। हाँ। मेरे को गाड़ी तक छोड़ दो, आगे आओ ना, बंद कर दो बेबी। तो जी हम दोनों अपना मी टाइम लेने के लिए आ गए हैं, गेरी कॉफी, और मैं बिल्कुल फोन पे नहीं हूँ, मतलब फोन बहुत दूर है, बस हमारे बस हाथ में। मतलब ये व्लॉग मैंने किया और ये फोन अब मैंने रख दिया। ओके रख रही हूँ जी, मैं निकल गई हूँ यहाँ से और मैं जा रही हूँ अब अपने डॉक्टर के पास। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी अपॉइंटमेंट है। अरे रिक्शा निकल गया, जैसे ही आई रिक्शा भी निकल गया। तो मैंने प्लान किया मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊंगी, मैं रिक्शा में ही जाऊंगी और जैसे ही रिक्शा मिलता है मैं उसमें बैठ के निकल लूंगी। फिर मैं भी गाड़ी वापस लेके जाएगा, बिकॉज मुझे पार्किंग वार्किंग का इश्यू हो जाता है, अकेले कंटाल आता है गाड़ी चलाने में। तो मैं अब जैसे ही ऑटो मिलता है मैं पुणे आए पुणे चले। देखो जरा आता है, आया कोई अच्छा स्कूटर लेना। अच्छा स्कूटर क्या होता है? ये रहा ना खाली स्कूटर, वही चलेंगे। बाय बेबी। तो जी ये निकली मैं अपने डॉक्टर की ओर, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी मैं वापस घर आ चुकी हूँ, घर आते ही मैंने बनवा ली है यहाँ पे चाय, ये रही मेरी चाय। और मैं बनाने लगी हूँ, पता नहीं अविनाश को मेरी पात की पनीर की सब्जी इतनी अच्छी लग रही है। अमिता को भी हंसी आ रही है कि अविनाश को मेरे हाथ की पनीर की सब्जी इतनी अच्छी लग रही है, कह रहा है मैं पराठे के साथ पनीर की सब्जी खाऊंगा। तो पनीर मैंने मंगा लिया है और दोबारा बनाती हूँ आज। मतलब वही है कि फिर रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी लेकिन पनीर की सब्जी तो मैं बनाने ही लगी हूँ। लाना आ गया पनीर, आया कितना हुआ भैया? मेरे बैग में पड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा थोड़ा चाय भी पी लूँ और साथ साथ मैं काम भी कर लेती हूँ। बाय द टाइम अविनाश घर पे आएगा तो खाना वाना एकदम तैयार मिलेगा। तो मैंने भी कुछ खाया नहीं है, मैं भी खा लूंगी जल्दी खाना, भूख तो लगी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल चाय पीऊंगी मैं। और आज का मौसम, आज का दिन इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ा अच्छा लगता है। सम डेज यू नो यू जस्ट फील पॉजिटिव फॉर नो रीजन, अच्छा लग रहा है बस मेरे को। कहा है दीदी, चाय पी लो आप भी। आप भी कहाँ है? नहीं अभी नहीं, पहले पकने तो दो। मेरा चाहिए रहा, आप लोगों का कहाँ है? दीदी नहीं पीती है। मैं दीदी चाय नहीं पीती है, क्यों? पीती तो सुबह पीती हूँ, शाम को कभी पीती। कॉफी पी लो। और आप समझ लो जब से मतलब गणपति आए थे और वो गए, तब से बैक टू बैक पनीर की सब्जी बनती ही जा रही है, बनती ही जा रही है। ही जस्ट वांट्स, ही लव्स इट, आई डोंट नो व्हाई। ये बन गई हमारी पनीर की सब्जी। तो जी विकास आज आया नहीं है तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ही बच्चों को लेके जाऊंगी। तो ये देख लो, उसको लग रहा ऑलरेडी बॉल के, अरे रुक जा, उसको लग रहा है मैं बॉल के साथ अब मैं ही खिलाऊंगी। चुन चुन भी तैयार है, कैंडी भी तैयार है। oh, no. चलो 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 चलो, 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 चलो।
रोना नहीं है, रोना नहीं है, चलो 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 मेरा बाबा, अच्छा चलो बाबा चलो, हाँ रोना नहीं है, रोना नहीं। हाँ इधर से खेलते हुए जाना है क्या? ये बाप रे, चुंचु इतनी खुश है, वैसे तो कभी जाती नहीं है बाहर, मम्मा की शादी इतना खुश हो गई है। चलो आ जाओ आ जाओ। अब मुंह में ये बॉल दबा के तो ले आई है, लेकिन इसको कैसे मैं घुमाऊं, इतना कीचड़ है, इतनी बारिश हुई हुई है, समझ नहीं आ रहा। या तो अब इसको जाके अमिता नहलाएं, क्योंकि ये तो मानेगी नहीं, बॉल के साथ आ गई है। ये देखो बॉल के साथ चल रही है, ये देखो ऐसा कुत्ता देखा है। उसको बॉल के साथ खेलना है तो खेलना है, अब इसको ले जाके ना वापस नहलाना पड़ेगा, क्योंकि इधर इतना कीचड़ है कि क्या ही बोलूं। और ये भी नहीं मानेगी, खोल दे अमिता अब 2 मिनट, मानेंगे नहीं वो। चलो जाओ गो, बेचारी कितनी खुश हुई है। क्या करूँ ना मैं भी, एक्चुअली बारिश वारिश इतनी हो रही है कि कैसे मैं लेके आऊँ, मेरा दिल भी करता है, लेकिन बारिशों के कारण और बहुत सारी चीजों और के कारण ना फिर मैं नहीं ले जा पाती हूँ इनको, लेकिन आज चलो जैसे तैसे। अब ये खुश तो हुई है ना मेरी बच्ची, जा मेरी बच्ची जा आगे। मेरा बेबी आ गए हैं अब फाइनली सोने के लिए, और मेरा बेबी बताएगा कि खाना कैसा लगा। पता नहीं क्यों इसको पनीर की सब्जी और पराठे बार बार चाहिए। बहुत बढ़िया यार, वो जो गणपति में पनीर की सब्जी खाई ना, वो मेरे मुंह लग गई, और ऐसी मुंह लग गई कि उसका टेस्ट मुझे जान ही रहा मुंह से, मतलब लग रहा है कि हर 2-3 दिन में मिलती रहे वो, ताकि वो जो हर 2 दिन बाद बोल रहा है वो पनीर की सब्जी, पार्टी जैसा फील आता रहे, हर 2 दिन में बोल रहा है, बट आई एम फाइन, ठीक है एज लॉन्ग एज इसको अच्छा लगता है। तो बेबी को मेरे पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगी है, खाना हमने खा लिया है, और कुछ लोग आ गए थे घर पे तो हम लोगों को उनके साथ भी बैठना पड़ा, तो अभी गए हैं वो, तो आप दोबारा से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और इसी दोबारा से ब्लॉगिंग करने के साथ साथ हम आप लोगों से विदा लेते हुए ये कहते हुए मिलेंगे कि हम लोग आपको मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और दोस्तों हम लोगों ने ब्लॉग में नई चीज शुरू की, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पर आ रहा होगा कॉमेंट ऑफ द डे, तो आप लोग जो भी हमारे ब्लॉग पे रोज कॉमेंट करते हो इतने प्यार से, हम लोग उसको पढ़ते हैं, और जो हमें अच्छा लगता है उसको हम कॉमेंट ऑफ द डे बनाते हैं। कॉमेंट आप आज के ब्लॉग पे जम के कॉमेंट कीजिए, अच्छे कॉमेंट, क्या पता कल कॉमेंट ऑफ द डे में आपका कॉमेंट हो। लेकिन जम के कैसे कॉमेंट, मतलब वैसे भी कॉमेंट तो आते ही है, जम के ही आते हैं, और जो कॉमेंट ऑफ द डे है उसको जरा पढ़िए, ये रहा आपके सामने। और इसी के साथ हम आपको मिलते हैं कल, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। कुत्ते भी सो चुके हैं और हम भी सो चुके हैं।